Assalamu alaikum students, I hope all of you will be fine. I'm your science teacher and this is our lecture number 12 of unit number 2. Okay students, open page number 21. Iska aaj hum part karenge D. आपको मैंने पार्ट बी और सी लेक्चर में करवा चुकी हूँ, अब हम आज इसका करेंगे पार्ट डी. नेम द हैबिटेट ऑफ ईच ऑफ दीज एनिमल्स. बच्चों यहाँ पर जितने भी एनिमल्स जिनके नाम यहाँ पर मेंशन हैं, इन सब की हैबिटेट जो है वो आप लोगों ने बतानी है. तो यहाँ पर स्पेस कम होने की वजह से ये जो पार्ट डी है इसको आप अपनी नोटबुक के ऊपर इसको सॉल्व करेंगे. आपको मैं एक पैटर्न इसका शो कर देती हूँ, आपने इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अपनी नोटबुक में इसको आपने नोट डाउन करना है. स्टूडेंट्स फोकस ऑन दिस पेज, नेम द हैबिटेट ऑफ ईच ऑफ दीज एनिमल्स. आपने इसी तरह से इसकी हेडिंग देनी है और इसके बाद आपने एक साइड पर लिखना है एनिमल्स और दूसरी साइड पर इसकी हैबिटेट. जैसे कि आप जानते हैं कि हैबिटेट वो होती है जहाँ पर वो एनिमल्स रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, जिस जगह पर रहते हैं, वो उसकी हैबिटेट कहलाती है. अब सबसे पहले क्या है, डॉग. डॉग कहाँ रहता है, उसके हैबिटेट में क्या लिख देंगे, केनल. क्या लिख देंगे, कैनल. मेरे साथ साथ रिपीट करते जाएं आप. नंबर टू पे है कैट. कैट के साथ हैबिटेट में लिखेंगे कैट ट्री, कैट ट्री. नंबर थ्री पे है काओ. काओ कहाँ रहती है, शेड, शेड. नंबर फोर पे है हॉर्स. हॉर्स कहाँ रहता है, स्टेबल में, स्टेबल. नंबर फाइव पे है लाइन. लाइन कहाँ रहता है, डेन, डेन. नंबर सिक्स पे है हैन. हैन कहाँ रहती है, कूप, कूप. पेन भी कहा जाता है और कूप भी कहा जाता है. इसके बाद स्नेक, होल, होल. इसके बाद है फिश. फिश आप लोगों को जैसे मालूम है कि फिश जो है वो पानी में रहती है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वाटर, वाटर. इसके बाद है फ्रॉग. फ्रॉग आप लोगों को अपने प्रीवियस क्लासेस में भी आप लोगों ने पढ़ा है कि फ्रॉग जो है वो लैंड एंड वाटर दोनों पर रहता है, इसलिए मैंने स्लैश डाल के लैंड और वाटर दोनों को यहाँ पर मेंशन कर दिया है. इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट कैमल. कैमल एक जो है वो डेजर्ट एनिमल है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डेजर्ट. आप देखा होगा कि सहरा में रहता है, इसलिए यहाँ पर हम डेजर्ट लिखेंगे. इसके बाद है क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल आपको रिवर्स में भी नज़र आता है और लेक्स में भी नज़र आता है, इसलिए स्लैश डाल के रिवर और लेक्स दोनों आप मेंशन करेंगे. बर्ड, बर्ड का आपको पता है कि बर्ड जो है वो घोंसले बनाती है, इसलिए यहाँ पर हम नेस्ट को मेंशन करेंगे. तो ये था आपका पार्ट डी. नाउ मूव टूवर्ड्स इट्स नेक्स्ट पार्ट, पार्ट जी जो है ऑन पेज नंबर 22. आप इसको देखिए, नेम द टाइप ऑफ बॉडी कवरिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स. स्टूडेंट्स आपको चैप्टर में हम लोगों ने साथ साथ पढ़ते गए कि हर एनिमल की जो बॉडी कवरिंग है वो डिफरेंट टाइप्स की है. अब सबसे पहले यहाँ पर क्या है, मैमल. आप लोगों को पता है कि मैमल की बॉडी कवरिंग किससे होती है, हेयर से. हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हेयर. आपने इसी तरह से पेंसिल से लाइन लगा के जो है वो यहाँ पर आपने पेन के साथ आपने इसको मेंशन करना है. नंबर टू पे क्या है, फिश. फिश की बॉडी किससे कवर होती है, स्केल्स से. किससे कवर होती है, स्केल्स से. नंबर थ्री पे क्या है, बर्ड. अब बर्ड की बॉडी किस, बर्ड की जो है वो कवरेज किससे होती है, उनके परों के जरिए, उनके फेदर्स के जरिए. इसके बाद क्या आ जाता है, स्नेल. स्नेल का आपको सबको मालूम है कि स्नेल की बॉडी की कवरिंग शेल के जरिए होती है. तो ये थी इनकी बॉडी की कवरिंग्स. अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि है पार्ट एच, गेस हु आई एम. ये हम रीड आउट करेंगे और इसी से हमें पता चलता जाएगा कि यहाँ पर हमने क्या मेंशन करना है. I am champion migrator. I travel a distance of 17,000 km from Antarctic to Arctic to breed. I am, यहाँ पर क्या mention करेंगे, Arctic tern. ये एक bird है,
जो कि इतना फासला ट्रेवल करके आता है, और ये आपने पढ़ा भी है। नंबर टू पे देखिए, आई एम अ फिश एज आई हैच फ्रॉम एग्स माई पेरेंट्स डाई आई एम ईल, यहाँ पर आप लिख देंगे ईल। नंबर थ्री पे देखें, आई फ्लाई फ्रॉम कैनेडा टू मैक्सिको ड्यूरिंग द विंटर आई एम, यहाँ पर आ जाएगा साइबेरियन क्रेन, यहाँ पर आप लिख देंगे साइबेरियन क्रेन। इसके बाद नंबर फोर पे देखें, आई विजिट पाकिस्तान एवरी ईयर ड्यूरिंग द विंटर आई एम मोनार्क, ये जो बटरफ्लाइज होती हैं। इसके बाद आ जाता है नंबर फाइव पे, आई एम एन इंसेक्ट आई माइग्रेट इन द समर एंड डिस्ट्रॉय स्टैंडिंग क्रॉप आई एम लोकस्ट, ये जितनी भी तैयार फसलें होती हैं उनको ये नुकसान पहुंचाते हैं ये इंसेक्ट्स। तो स्टूडेंट्स, ये था इसका पार्ट एच। आई होप कि आपको इसको समझ में आया होगा। आपने इसी तरह से पार्ट डी जी और एच को आपने सॉल्व करना है, लेकिन आपको जैसे मैंने मेंशन किया है कि जो पार्ट इसका डी पार्ट है उसको आपने अपनी नोटबुक्स में बहुत प्रॉपर तरीके से आपने इसको मेंशन करना है, और इसको आपने उसको ऊपर जो है वो एज इट इज़ आपने इसको सॉल्व करना है। मैं आपको दोबारा उसकी पिक्चर शो कर देती हूँ ताकि आपको इसको लिखने में कोई डिफ़िकल्टी पेश नहीं आए। ये आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। टिल द नेक्स्ट लेक्चर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।